कि आरजेटी के कोटे से लगातार इस तरह का बयान आ रहा है। आप चाहे वो मनोज झा जी हों, चाहे वो सुधाकर सिंह जी हों, और चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, तेजस्वी जी का भाषण सुने होंगे, जैसे नीलामी नहीं लगता है नीलामी, उसी तरीके से वो बोली लगाते थे, 10 लाख नौकरी, 12 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे। और अभी तक कितने नौकरी हुआ है कि जो शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया थी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कितनी लड़कियां का उसके चलते शादी कट रहा है, उसका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया, उसके परिवार दबाव में आ रहे हैं, उसके गार्जियन दबाव में आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है हम पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ बात करने के लिए राकेश रंजन हैं जो कि हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास कर रहा हूं और समझने का भी प्रयास करूंगा कि कल जो है एक सुधाकर सिंह का एक बयान आया था, एक उच्च अधिकारी के रैंक के अधिकारियों को जो है थूकने की बात कही जा रही थी, चप्पल का माला पहनाने की बात कही जा रही थी, तो इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस तरह का बयान किसी भी संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए हैं, हमारे देश में सबसे बड़ा पद माना जाता है संवैधानिक पद में IAS, इंडियन नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो उनके बारे में इस तरह का बयान अगर कोई देता है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर इस तरह का कोई बयान देता है, तो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और उसके मुंह पर थूक देना, चप्पल का माला पहनाना, ये कहीं ना कहीं किसी के संस्कार को दिखाता है, किसी के मानसिकता को दिखाता है। और आए दिन में आप देख रहे हैं कि RJT के कोटे से लगातार इस तरह का बयान आ रहा है। आप चाहे वो मनोज झा जी हों, चाहे वो सुधाकर सिंह जी हों, और चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, आपने देखा अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान भी क्या देखा आपने कि भाई लिपस्टिक और बॉब कट पे, आपने देखा मनोज जी का बयान क्या देखा, ठाकुर पे देखा, और अब सुमित, अब जो सुधाकर बाबू हैं, सॉरी सुधाकर बाबू जो हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कलेक्टर पोस्ट के रैंक अधिकारी को अगर आप जूता का माला पहनाएंगे और उसके मुंह पर थूकेंगे तो ये कहीं से भी उचित हमको नहीं दिखता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आप लगातार देख रहे हैं कि दोनों मंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के जो भी विधायक हैं, लगातार इस तरह का बयान आ रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या गया है, ये लोग सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं या फिर बिल्कुल इनकी जो नीची मानसिकता है या ओछी जो मानसिकता है वो दर्शाता है। आपने इनका भी देखा, जदयू से गोपाल मंडल को आपने देखा कि कुछ दिन पहले की बात है कि वो रिवॉल्वर लेके चल दिए, उनका 2021 में एक वीडियो आया था, वो भी आपने देखा कि जो है चड्डी बनियान पर ट्रेन में घूमने लगे, तो ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये कहीं से डायरेक्शन इनको मिल रहा है करने के लिए या फिर सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, ये समझने की बात है। और ये जो इस तरीके से जो कर रहे हैं तो इनको जनता कहीं ना कहीं सिखाने का काम करेगी। तो क्या लग रहा है कि सर, जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है RJD के या जदयू के तरफ से, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उनके बातों को IAS रैंक के अधिकारी नहीं मान रहे हैं, IPS रैंक के अधिकारी नहीं मान रहे हैं, तो इस तरीके का जो बयानबाजी है उनको अफसरशाही या राजनैतिक रूप से अगर आप देखते हैं तो उसको जो बोला जाता है या राजनीतिक दबाव के तहत जो है उसको वो समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम हमसे बड़े नहीं हो, इस तरीके का सेंटेंस या संदेश देना चाह रहा हो, क्या लग रहा है आपको? देखिए प्रिंस जी, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जंगल राज पार्ट 1 पहले चल रहा था और जंगल राज पार्ट 2 अभी चल रहा है, तो आप तो देख रहे हैं कि सब जगह क्या देख रहे हैं, अभी क्या देखने को मिल रहा है, कहाँ से आपको दिख रहा है कि मना अफसर लोग कंट्रोल में हैं, सब जगह मर्डर हो रहा है, सब जगह औरत के साथ में अभद्र टिप्पणी की जा रही है, लड़कियां को छेड़ा जा रहा है, बच्चियां के साथ रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, अब जो भूमि का जो कब्जा हो रहा है, तो सब जगह तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल तरीके से राजतंत्र फेल है और अफसरशाही सरकार बन गई है, हिटलरशाही सरकार बन गई है, पूरे सरकार का तानाशाह रवैया जो है सब जगह देखने को मिल रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि पूरे तरीके से सरकार का विफलता है।
आपने कहा बात करी कि जो है अभी सरकार कंट्रोल करने में विफल है, मैं उसी पे रिलेटेड मैं बात करूँगा कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जो है सिपाही भर्ती की परीक्षा ली गई थी उसको जो है पुनः कुछ ऐसे धांधली कर दिया गया छात्रों के द्वारा, उस तरीके का धांधली सामने आ गया, वीडियो फुटेज आ गया, उसको उस परीक्षा को जो है रद्द कर दिया गया। और देखा जाता है कि समय समय पे किसी भी वैसे परीक्षा को रद्द किया जाता है जो कि भविष्य से जुड़ा होता है, उनके लिए छात्र जो है इंतज़ार करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिहार सरकार अपनी बदनामी को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुछ से कुछ कर रही है। आपको याद होगा कि 2019 से ही एक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चलते आ रही है और अभी तक वो बहाली पूरा नहीं हुआ है। अब आज के डेट में हो क्या रहा है, अभी जितने भी आप बहाली देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द बहाली की प्रक्रिया निकाली जाती है और फिर वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाती है। इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें अब जो देखने को मिल रहा है कि पहले पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा, और इस तरीके से विद्यार्थी के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके कैरियर से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम तो देख रहे हैं कि जो शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया थी अभी तक पूरा नहीं हुआ है और कितने विद्यार्थी का जो है उसका शादी नहीं हो रहा है, कितनी लड़कियां का उसके चलते शादी कट रहा है, उसका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया, उसके परिवार दबाव में आ रहे हैं, उसके गार्जियन दबाव में आ रहे हैं। तो ये जो आप देखे होंगे, तेजस्वी जी का भाषण सुने होंगे, जैसे नीलामी नहीं लगता है, नीलामी उसी तरीके से वो बोली लगाते थे, 10 लाख नौकरी, 12 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, और अभी तक कितने नौकरी हुआ है आप देख रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि हम जो है जितना हमने नौकरी को लाया है या नौकरी को हमने देने का काम किया है, अभी तक जो है केंद्र सरकार में बैठी हुई है और उन्होंने जो दावा किया था केंद्र सरकार ने कि हम जो है 2 करोड़ नौकरियों को देंगे, लेकिन वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने जो नौकरी दिया और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस पर विफल है। तो केंद्र सरकार पर जो ठिकरा ये फोड़ रहे हैं, तो आपका आप बहुत कुछ कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, विद्यार्थी लोग क्यों धरना प्रदर्शन, विद्यार्थी के ऊपर क्यों लाठियां चलवा रहे हैं। आखिर विद्यार्थी को आप नौकरी दे ही देते तो विद्यार्थी इतना धरना प्रदर्शन क्यों करते? और अभी तक तो एक भी बहाली आपको नहीं दिख रहा है जो कि पूर्ण हुआ है, कोई बहाली का आप नाम बता दीजिए। चाहे अभी आपने क्या बोला, अभी जस्ट आपने पूछा ना कि भाई बिहार पुलिस की वैकेंसी कैसे कैंसिल हो गई, तो ये भी कैंसिल हो गई। शिक्षक बहाली वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आप तो देख रहे हैं कि एक भी बहाली इन लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। इन लोग का मनसा रोजगार देने का नहीं है, इन लोग का मनसा सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करने का और विद्यार्थी के जीवन से खिलवाड़ करने का। और आए दिन मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि एक एक विद्यार्थी, एक एक स्टूडेंट इनका जवाब लेंगे, इनको उखाड़ फेंकेंगे गद्दी से। आप इस चीज़ को देखेंगे। ये थे हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन, जिनको आपने सुना जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार की जो राजतांत्रिक जो है व्यवस्था है वो फेल है और कहीं ना कहीं सवाल जो है सरकार के ऊपर है और उनकी जिम्मेवारी होती है कि उनके जो राज्य में जो घटित घटना है उनको किस तरीके से वो कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। सहयोगी नंदन के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना।